हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाहय चोपड़ा। दोस्तों, एम्स ने बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए इंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रोस्पेक्ट 2020 जारी कर दिया है। प्रोस्पेक्ट में इंट्रेंस एग्जाम व कोर्स रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एम्स से प्रोस्पेक्ट 2020 के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। अगर आप इन कोर्सेज में इंट्रेंस एग्जाम देकर एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको बताऊंगा कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं, कोर्स वाइज नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं, फीस कितनी होगी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोर्स वाइज क्या होगी, ये सारी जानकारी हम प्रोस्पेक्ट से मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम इसका प्रोस्पेक्ट डाउनलोड कर लेते हैं। तो aimsexams.org पर जैसे ही हम विजिट करते हैं, एकेडमिक कोर्सेज पर क्लिक करेंगे, किसी एक कोर्स पर क्लिक कर देंगे क्योंकि तीनों कोर्सेज का प्रोस्पेक्ट एक ही है। तो मैं यहाँ बीएससी ऑनर्स नर्सिंग पर क्लिक करता हूँ, प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद में बीएससी प्रोस्पेक्ट पर क्लिक करने के बाद ये प्रोस्पेक्ट डाउनलोड हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूशन में कौन सा कोर्स करवाया जाता है। तो एम्स न्यू दिल्ली में ये 7 प्रकार के कोर्स करवाए जाते हैं। एम्स भुवनेश्वर में 4 प्रकार के पैरामेडिकल कोर्स करवाए जाते हैं, इसमें बीएससी नर्सिंग भी करवाया जाता है। इसके अलावा जो एम्स ऋषिकेश है उसमें ये जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं ये करवाए जाते हैं। इसके अलावा जो 6 एम्स हैं दिल्ली के अलावा, उसमें भी बीएससी नर्सिंग कोर्स करवाया जाता है जो कि फीमेल कैंडिडेट के लिए ही है। अब हम एक बार इम्पोर्टेंट डेट्स चेक कर लेते हैं। तो जिन कैंडिडेट ने बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया है उनको अभी कोड जनरेट करके फाइनल रजिस्ट्रेशन करना है। तो कोड जनरेट स्टार्ट हो गए थे 14 मार्च 2020 से और इनकी लास्ट डेट है 15 अप्रैल 2020। इसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन में फीस पेमेंट करनी है, सिटी च्वाइस करनी है, ये भी सेम डेट है, 15 अप्रैल 2020 लास्ट डेट रहेगी इसकी। अब इसमें स्टेटस का हमें पता चल पाएगा 22 अप्रैल 2020 को जिन कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है वो बीएससी नर्सिंग के लिए और बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए जिन कैंडिडेट के फॉर्म रिजेक्ट हो गए उनका पता लगेगा 24 अप्रैल 2020 को। उसके बाद में जिन कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हो गया वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं 4 मई 2020 तक। इसके बाद में एडमिट कार्ड बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए अपलोड हो जाएंगे 13 मई 2020 को। इसके बाद में जो बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक और बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उनके एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएंगे 15 मई 2020 को। एग्जाम डेट एक बार हम देखते हैं तो इसमें जो बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक का एग्जाम 6 जून को 10 से 11:30 के बीच में है। इसके बाद में बीएससी पैरामेडिकल का 20 जून 2020 को 10 से 11:30 के बीच में है और बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का 28 जून 2020 को 10 से 12:00 के बीच में है। इसका एक बार डिटेल देख लेते हैं कि इनका रिजल्ट कब आएगा। तो इनका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा इसमें 13 जून 2020 को फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। इसमें इंटरव्यू और पर्सनल असेसमेंट का 23 जून को डिक्लेयर होगा और फाइनल रिजल्ट 29 जून को डिक्लेयर हो जाएगा। इसके बाद में बीएससी ऑनर्स पैरामेडिकल कोर्सेज का 20 जून को जो एग्जाम है 1 जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग जो 7 एम्स में होने हैं उसके लिए 28 जून को एग्जाम होगा और 7 जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा। अब हमें इसके एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 1500 रुपये फीस है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 है, पीडब्ल्यूबीडी जो विकलांग हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। अब हम कोर्स वाइज सीट देखते हैं तो दिल्ली में जो 5 प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं उन कोर्सेज की जो सीट मैट्रिक्स है वो कैटेगरी वाइज इस प्रकार से है, आप देख लें इसमें। इसके बाद में जो भुवनेश्वर के द्वारा 4 प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं उसका भी सीट मैट्रिक्स और कोर्स इसमें दिया हुआ है, ये आप चेक कर लें एक बार। इसके बाद में ऋषिकेश द्वारा ये 13 प्रकार के पैरामेडिकल कोर्सेज करवाए जाते हैं,
इनकी टोटल 69 सीट हैं कैटेगरी वाइज और कोर्स वाइज सीट आप चेक कर लें यहाँ से। इसके बाद में जो एम्स में बीएससी नर्सिंग कोर्स करवाया जाता है वो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए ही है। इसमें जो 7 एम्स हैं उसमें टोटल 571 सीट्स हैं। इसमें यूआर कैटेगरी की 238 सीट्स हैं, यूआर पीडब्ल्यूबीडी की 11 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस की 56 सीट्स, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी यानी विकलांग की 1 सीट है जो न्यू दिल्ली एम्स में है, ओबीसी की 152 सीट्स हैं, ओबीसी विकलांग की 7 सीट्स हैं, एससी की 87 सीट हैं, एससी पीडब्ल्यूबीडी की 5 सीट हैं और एसटी की 38 सीट्स हैं। तो इस प्रकार से टोटल ये 7 एम्स में 571 सीट्स हैं जो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं। अब हम इसमें बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक की बात करें जो एम्स दिल्ली द्वारा करवाया जाता है, इसमें जो टोटल सीट हैं आउटसाइड कैंडिडेट के लिए 30 सीट्स हैं, कैटेगरी वाइज आप यहां देख सकते हैं इसमें। इसके बाद में सीट रिजर्व हैं एम्स के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए, वो 20 सीट्स हैं इसमें। इसके बाद में जो कोर्सेज का ड्यूरेशन है अलग अलग इंस्टीट्यूशन वाइज वो इस प्रकार से है। इसमें जो बीएससी नर्सिंग वगैरह का और ये सारे कोर्सेज हैं इनका ड्यूरेशन दिया गया है। बीएससी नर्सिंग का इसमें 4 ईयर्स का कोर्स है, बाकी सारे आप इसमें देख सकते हैं कोर्स का ड्यूरेशन इसमें। अब हम इन कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बैचलर इन ऑप्टोमेट्री, बीएससी ऑनर्स मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी, बीएससी डेंटल हाइजीन, बीएससी इन डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट और बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए जो मिनिमम एज है वो 17 ईयर्स होना चाहिए 31 दिसंबर 2020 को। इसमें जिन कैंडिडेट का जन्म 2 जनवरी 2004 के बाद का है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसमें मैक्सिमम एज का कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, कितने भी एज का कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है इसमें। इसके बाद में 10+2 पास होना चाहिए इन कोर्सेज के लिए। जो 2 प्रकार के कोर्सेज हैं इसमें बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री एंड बीएससी ऑनर्स मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी कोर्स, इनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स हो सकती है। लेकिन जो ये 3 प्रकार के कोर्सेज हैं बीएससी इन डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, बीएससी इन डेंटल हाइजीन और बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, इनमें बायोलॉजी होना कंपलसरी है। अब इसमें मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स की बात करें तो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए 55% होना चाहिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए और 50% 12th में होना चाहिए एससी एसटी कैटेगरी के लिए, और ये सब्जेक्ट में होना चाहिए इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। इसके बाद में जो ये 5 प्रकार के कोर्सेज मैंने फिर बताए थे उसके अंदर जो 2 कोर्सेज हैं जिनमें बायोलॉजी और मैथमेटिक्स हो सकता है उनमें 50% जनरल ओबीसी के लिए चाहिए और 45% एससी एसटी कैटेगरी के लिए चाहिए। जो 3 प्रकार के कोर्सेज मैंने बाद में बताए थे उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंपलसरी है, जो 3 प्रकार के मैंने कोर्स बताए हैं। तो उनमें बायोलॉजी में एग्रीगेट के साथ में 50% होना चाहिए और उनमें मैथमेटिक्स के साथ में एग्रीगेट होना चाहिए जिनमें मैथमेटिक्स रिक्वायर है। इसके बाद में एम्स भुवनेश्वर की हम बात करें, जो एम्स भुवनेश्वर में कोर्स करवाए जाते हैं 50% जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए चाहिए और 45% एससी एसटी कैटेगरी के लिए एग्रीगेट होना चाहिए, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में होना चाहिए। और इसके बाद में जो एमआरटी कोर्स है उसमें मैथमेटिक्स या बायोलॉजी हो सकता है इस कंडीशन में। इसके बाद में जो एम्स ऋषिकेश के कोर्सेज हैं ये, इनमें 50% जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और 45% एससी एसटी कैटेगरी के लिए मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में। और इसमें जो बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री के हैं 50% इसमें होना चाहिए और 45% इन कैटेगरी एससी एसटी कैटेगरी में होना चाहिए, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स हो सकता है उसमें आपके कोर्स के अनुसार इसमें। तो इस प्रकार से ये इनका एलिजिबिलिटी है। तो ये जो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग है ये ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए ही है।
अब बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक की बात करें तो इसमें जो कंडीशन है 10+2 पास होना चाहिए, इसके बाद सेकंड कंडीशन है जीएनएम में डिप्लोमा होना चाहिए, थर्ड कंडीशन है कि किसी भी स्टेट द्वारा आप एज ए नर्स रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आरएनआरएम में। इसके बाद में एग्जाम स्कीम की बात करें तो इसमें जो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए एग्जाम सेंटर हैं वो गुवाहाटी, पटना, रायपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलोर, त्रिवेंद्रम, मुंबई, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, चेन्नई, देहरादून और कलकत्ता हैं। इसमें जो बाकी के कोर्सेज हैं बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के अलावा पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक कोर्स हैं उनका सेंटर दिल्ली ही रहेगा। इसके बाद में एग्जाम इसमें वेटेज की बात करें तो जो बीएससी नर्सिंग ऑनर्स है इसमें 2 आवर्स का पेपर होगा, इसमें 4 पार्ट्स होंगे, इसमें सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स 30 मार्क्स, केमिस्ट्री 30 मार्क्स, बायोलॉजी 30 मार्क्स और जीके 30 मार्क्स, इस प्रकार से 100 मार्क्स का पेपर होगा। इसके बाद में ये जो बाकी कोर्सेज हैं इन कोर्सेज में 1.5 आवर्स का पेपर होगा, इसमें सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और 30 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट से होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर जिनके मैथमेटिक्स है उनका मैथमेटिक्स के हिसाब से, तो हर सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चंस होंगे। इसमें जो मैथमेटिक्स के हैं वो मैथमेटिक्स के पेपर हल कर लेंगे, जो बायोलॉजी के हैं वो बायोलॉजी से कर लेंगे। इसके बाद में जो बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक है इसका एग्जाम 2 स्टेज में होगा, फर्स्ट स्टेज में रिटर्न एग्जाम होगा वो 70 मार्क्स का होगा, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे उसमें, 90 मिनट्स का पेपर होगा इसमें। जो सेकंड है वो पर्सनल असेसमेंट और इंटरव्यू का होगा, 30 मार्क्स का होगा इसमें, दोनों के टोटल से ये मेरिट निकाली जाएगी। जो मार्किंग है इसमें नेगेटिव मार्किंग है, राइट आंसर का 1 मार्क्स दिया जाएगा, गलत आंसर का -1/3 आंसर काट लिया जाएगा, यानी कि आपके 3 क्वेश्चन गलत होंगे तो 1 मार्क्स काट लिया जाएगा इसमें। इसके बाद में हम इसकी फीस की बात करें तो जैसा कि आपको पता है एम्स की ट्यूशन फीस वगैरह, हॉस्टल फीस वगैरह बहुत ही कम होती है। आप यहां देख सकते हैं कितनी कितनी फीस है, कौन कौन से कोर्सेज की हॉस्टल सिक्योरिटी कितनी है, इसमें ये सारा सब कुछ दे रखा है। इसके बाद में हम इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो जिन कैंडिडेट ने बेसिक रजिस्ट्रेशन कर रखा है अभी उनको कोड जनरेट करना है पहले, उसके बाद फीस पेमेंट करना, सिटी चॉइस करना है, तो ये आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद में एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे। एडमिट कार्ड की डेट मैंने आपको बता दी है, तो ये जानकारी थी इसके बारे में, प्रोस्पेक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी मैंने दे दी है आपको, टाइम ने आपका ज़्यादा टाइम स्पेंड ना हो इसलिए मैंने ये पूरी जानकारी मेन मेन टॉपिक्स के बारे में आपको दे दी है। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।